मैं हूं आपके साथ वनिता। आप देख रहे हैं एशीपी न्यूज का टॉप 5। देश भर में सभी किसान आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन पर बैठेंगे। राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने रविवार को बैठक की। आगे की रणनीति पर 15 दिसंबर को बैठक कर बात की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के लक्षण दिखने की वजह से उन्होंने जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। नड्डा ने कहा कि जो लोग मेरे संपर्क में रहे हैं वो खुद को आइसोलेट कर अपना कोरोना जांच करा लें। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन तीनों पश्चिमी देशों में सबसे पहले फाइजर कंपनी की बनाई कोरोना वैक्सीन से टीकाकरण किया जाएगा। इन तीनों देशों ने टीकाकरण के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई है। बारिश होने की वजह से सभी जगह ठंड बढ़ गई है। रविवार को शीतलहर चली। दिन का तापमान सामान्य से लगभग 7 डिग्री तक पहुंच गया है। करनाल और कुरुक्षेत्र में पारा 14 डिग्री रहा। सुबह घनी धुंध छाई रही। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले 17 दिसंबर को डे नाइट टेस्ट में बाएं हाथ के गेंदबाज मिचेल स्टार्क की वापसी हो चुकी है। स्टार्क अपनी टीम से जुड़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्टार्क अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एसपी न्यूज़।